नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकरलाल मीना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शंकर सेलू। शंकर सेलू चैनल के इस नए एपिसोड में मैं शंकरलाल मीना आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको रामनवमी के शुभ अवसर पर राम के मानवीय रूप को प्रकट करने वाली प्यारी सी कविता सुनाऊंगा। अगर कविता अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राम जीवन भर संघर्ष की आग में पिघले थे, तब जाकर राम के अंदर से राम निकले थे। राम जीवन भर संघर्ष की आग में पिघले थे, तब जाकर राम के अंदर से राम निकले थे। राम की मानवता को समझना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना राम आराधना अधूरी है। राम में बसता है समाज सेवा का संकल्प, साधारण से असाधारण होने का विकल्प। हमें समझना है राम कथा का वो हिस्सा, जिसमें छिपा है त्याग और मर्यादा का किस्सा। अरे राम ने किया था सुख दुख का मेल, ताकि जीवन बन जाए समरसता का खेल। राम खुद के सुखों को त्याग कर, राम खुद के सुखों को त्याग कर जीवन भर मर्यादा के रास्ते पर चले थे। राम जीवन भर संघर्ष की आग में पिघले थे, तब जाकर राम के अंदर से राम निकले थे। तब जाकर राम के अंदर से राम निकले थे। राम के चेहरे पर हमेशा शांति रही थी, मगर दिल में सच्चाई की क्रांति रही थी। राम को मिले थे पग पग पर घाव, फिर भी छोड़ा नहीं था सत्य का भाव। राम ने लिया था दलित पिछड़ों का संग, और उनके जीवन में भरा था जीने का रंग। जग को मित्रता का सच्चा रूप दिखाया था, भाई के लिए भाई का फर्ज सिखाया था। अरे भगवान का अवतार होकर भी, भगवान का अवतार होकर भी हर दुख में मानव की तरह जले थे। राम जीवन भर संघर्ष की आग में पिघले थे, तब जाकर राम के अंदर से राम निकले थे। तब जाकर राम के अंदर से राम निकले थे। प्रेम और विश्वास था राम के अंदर, इसलिए साथी बन गए रीछ भालू बंदर। राम का जीवन आज भी शिक्षा देता है, मर्यादा में रहकर जीने की दीक्षा देता है। माता पिता की सेवा को धर्म माना था, मानवता को सबसे बड़ा क्रम माना था। राम ने जंगल में भी मंगल रचाया था, राम ने जंगल में भी मंगल रचाया था। मानव बनकर मानवता को बचाया था, संघर्षों का मुकाबला करने पर ही, संघर्षों का मुकाबला करने पर ही साधारण राम असाधारण राम में बदले थे। राम जीवन भर संघर्ष की आग में पिघले थे, तब जाकर राम के अंदर से राम निकले थे। तब जाकर राम के अंदर से राम।